चलो सेशन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। किसी का कोई डाउट है तो बस स्टॉक के बारे में किसी को कुछ पूछना है या मार्केट कंडीशन के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो बता देंगे। एक ट्रेनिंग सेशन जस्ट अभी कंप्लीट ही हुआ है एक, चलिए बता देता हूँ मार्केट के बारे में बता देता हूँ और मैं क्यों इस पर बुलिश हूँ वो भी थोड़ा बता देता हूँ। तो मार्केट अभी कंप्लीटली एक अप ट्रेंड में ही है, ये छोटी मोटी करेक्शन नहीं देखना है अपने को। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ऊपर की ही जर्नी करता है, नीचे में बीच बीच में ये जो करेक्शन आते हैं वो बीच बीच में आते ही हैं, ये हर बार करेक्शन कुछ ना कुछ आते ही रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट ऊपर ही जा रहा है और ये कंटिन्यू होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और बहुत दिनों बाद में अपना मार्केट ब्रेकआउट के लेवल पे आया है और एक ब्रेकआउट का सिग्नल दिया है इसने, तो ये तो हो गया एक बहुत लंबे टाइम फ्रेम का। निफ्टी में किसी को निफ्टी बीज में इन्वेस्ट करना है तो बहुत अच्छा टाइम है ये। और ये है निफ्टी का डेली चार्ट और डेली चार्ट में भी काफ़ी बुलिश है। अभी हाल फिलहाल में जो करेक्शन आई है वो एक करेक्शन है, छोटी मोटी करेक्शन आती रहेगी मार्केट में हमेशा, ये नीचे से कब ऊपर टर्न हो जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा अभी। लेकिन मार्केट जहां अगर फॉरेन मार्केट को देखेंगे तो फॉरेन मार्केट नीचे की तरफ काम कर रहा है और निफ्टी को अगर देखेंगे तो 19,000 के अप्रॉक्स था और अभी 18,000 के अप्रॉक्स काम कर रहा है। और वहीं अगर फॉरेन के मार्केट मतलब 5% अपने हाई से डाउन है और वहीं अगर फॉरेन मार्केट को देखेंगे तो वो सब बहुत ज्यादा करेक्ट कर चुके हैं, बहुत ज्यादा करेक्ट कर चुके हैं। वहां करेक्शन जैसे एक चार्ट देख लेते हैं, डो जोन्स का देख लेते हैं या नैसडेक का देख लेते हैं, किसी और मार्केट का देखना तो बोलो आप, ऐसे दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि देखो जहाँ अपना मार्केट ऊपर की तरफ काम कर रहा था ना वहीं ये वाला मार्केट आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड है। इसका हाई अप्रॉक्सिमेटली 37,000-38,000 के आसपास था, अभी 33,000 के आसपास काम कर रहा है। ये तो हो गया बाहर का मार्केट, और कोई बाहर का कोई मार्केट आपको देखना है किसी पर्टिकुलर मार्केट के बारे में या इंडिया की बात करें? अमित ये बाकी कहीं पे मैं मार्केट है ना, यूएस से ज़्यादा जापानीज मार्केट आगे चढ़ेगा बोलता है। जापानीज निकी हो गया, हाँ निकी निकी, चलो निकी देखते हैं एक बार। ये निकी 225 यही है क्या? हाँ ये कई सालों से ये इंडेक्स का हाई है, 40,000 के अप्रॉक्स था और 40,000 से अभी 8,000 का लो लगाया था इसने और फिर से अभी ऊपर की जर्नी अभी स्टार्ट किया है। तो ये बहुत सालों का अंडर परफॉर्मेंस है। आप 1990 का हाई था इसका, उसके पास में ये पहुंचा ही नहीं अभी तक, तो ये अप्रॉक्सीमेटली बहुत लंबा टाइम हो गया, बहुत लंबा टाइम हो गया अंडर परफॉर्मेंस का, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है। अब ये इस हाई को जब तक क्रॉस करेगा मतलब करने की प्रोबेबिलिटी है, कब करेगा पता नहीं है। यहाँ पर अमित ये वाई इतने लंबे टाइम से मतलब वो 1990s में जो हाई पहुंचा अभी तक मतलब इट कुड नॉट हिट दैट लेवल, उस समय बहुत ज्यादा यूफोरिया था वहाँ पे। अगर मार्केट जिस हिसाब से बढ़ा था ना वो भी बहुत जबरदस्त बढ़ा था। आप देखोगे यहाँ पे तो ये 8,000 से सीधा 5 साल के अंदर अंदर में 8,000 से सीधा 40,000 जाना, तो ये क्या है यूफोरिया का टाइम था उस समय वहाँ पे। अभी वो करेक्ट कर रहा है और बहुत ऐसा ही यूफोरिया इंडियन मार्केट में कब आएगा, 5 साल में 5 टाइम्स। हाँ जैसे अब पहले का मार्केट देखोगे निफ्टी का, अगर आप देखोगे 2000 से 2008 के बीच में तो वही यूफोरिया था इंडिया में भी। हाँ मैं 2000 से 2008 का चार्ट दिखाता हूँ, ये नंबरिंग नंबरिंग को भूल जाइए, ऐसे ही किया हुआ है ठीक है। यहाँ पे देखिए 2004 के पास में, 2003-2004 यहाँ पे मार्केट अपना इंडियन मार्केट कहाँ था, तो अप्रॉक्सीमेटली 900 निफ्टी का वैल्यू 900 के पास में था, 900-1000 के पास में था, वहाँ से ये 6,000 तो आया था, मतलब 6 टाइम्स बढ़ा था 4 साल के अंदर में, 5 साल में ये भी 6 टाइम्स बढ़ा था। अभी इंडियन मार्केट क्या है ज़्यादा मतलब ज्यादा उतना अच्छे से जंप नहीं किया है, तो इंडियन मार्केट भी यहाँ से 2-3 टाइम्स आसानी से जा सकता है ये 4-5 साल के अंदर अंदर में। जब भी मार्केट जंप करता है ना तो इसी तरह से जंप करता है, फॉल भी इसी तरह से आती है और जंप भी इसी तरह से करता है ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट पूछना है किसी स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में पूछना है तो पूछ सकते हैं, आंसर करने की कोशिश करूंगा। गुड इवनिंग अमित सर एंड कीर्ति सर, अभी सर एक तो निफ्टी बीज, आईटी बीज, ऑटो बीज और गोल्ड बीज, इन चार के ऊपर थोड़ा व्यू जानना चाह रहा हूं सर। निफ्टी बीज बहुत अच्छा है अभी पर्टिकुलर लेवल पे, बहुत अच्छा है बाय करने के लिए। गोल्ड बीज भी बहुत अच्छा है, गोल्ड बीज मतलब आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो गोल्ड तो हमेशा गोल्ड ही रहेगा, इंडिया में उसका गोल्ड का जो लगाव है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। अभी सिल्वर भी ट्रेड होने लगा है, साथ में सिल्वर भी ट्रेड होने लगा है, जैसे सिल्वर है सिल्वर बीज भी आ गया है, सिल्वर और गोल्ड मेरे हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। चार्ट भी दिखाएंगे, इनका चार्ट दिखाएंगे, मुझे जहां तक फील होता है सिल्वर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, गोल्ड से ज्यादा अच्छा सिल्वर परफॉर्म कर सकता है। चार्ट देखने से क्या होगा, रुको देख लेते हैं किसका, सिल्वर गोल्ड का है, आईटी बीज का है और सिल्वर बीज का है। आईटी बीज में टाइम लगेगा, मुझे आईटी बीज नहीं जम रहा है। अब आईटी बीज क्यों नहीं जम रहा है, तो अभी अंडर परफॉर्मेंस का टाइम आया है, वो सब चल चुके हैं। अभी क्या है मार्केट क्या है अनयूजुअल सा करती है, जो सबको पता होता है ना वो नहीं करती है। अभी सब किसी से पूछो ना आईटी बहुत अच्छा, आईटी बहुत अच्छा है। ये सिल्वर का फ्यूचर का चार्ट है और आप देखोगे तो ये 50 USD तक गया था और अभी ये 23-24 USD के पास में काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अपने हाइस को तोड़ देगा ये, अभी नहीं 3-4 साल के अंदर अंदर में बहुत अच्छा भाव मिलेगा। अभी इंडियन मार्केट में लगभग क्या भाव चल रहा है, 50-60 हज़ार रुपये किलो का भाव चल रहा है इंडियन मार्केट में, ये लगभग 2,40,000 के आसपास भाव जा सकता है, 4-5 गुना यहाँ से हो सकता है सिल्वर का भाव। ये सब मेरा मानना है ठीक है, आप जो भी मेरी जो व्यू है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछते रहिए आप। और कौन सा बोला आपने, आईटी ना, निफ्टी आईटी का मैं चार्ट गोल्ड बीज बताया था। हाँ निफ्टी बीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निफ्टी आईटी ठीक है, निफ्टी बीज इसी में इन्वेस्ट करते हैं, निफ्टी आईटी बीज इसी में इन्वेस्ट करता है। तो आप ध्यान से देखोगे ना तो निफ्टी बीज अभी
ये मंथली चार्ट है, इसको मैं डेली में लेके जा रहा हूँ। इसने आप देखोगे ना तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ये कितना 10,000 के लेवल के आसपास खड़ा था, 10,000-12,000 के लेवल के आसपास लगभग खड़ा था निफ्टी 20, कब 2020 की बात है, वहां से ये कहां तक जा चुका है, लगभग 40,000 के आसपास तक हाई लगाया इसने। अब ये इसका करेक्शन का टाइम है, ये करेक्शन कब एंड होगा पता नहीं, इसमें टाइम लग सकता है। निफ्टी आईटी से अच्छा अभी निफ्टी बहुत अच्छा है, निफ्टी आईटी सेक्टर से, हालांकि ये करेक्शन थोड़ा 2-3 साल तक और चल सकता है, उसके बाद में ये फिर अपने हाईस को तोड़ सकता है, तो अभी सजेस्टेड नहीं है। मेरी राय अगर पर्सनल राय मानो ना तो निफ्टी आईटी छोड़ के निफ्टी में आप ध्यान दो, क्योंकि निफ्टी में कई सारे ऐसे स्टॉक अभी जो चलना शुरू हुए हैं, जैसे बैंक्स है, आप बैंकिंग सेक्टर देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर में पीएसयू बैंक बहुत जबरदस्त तेजी में है, जो लोग अभी और तेजी से अभी करेक्शन आएगा इसमें, क्या पीएसयू बैंक में जो आप बता रहे हैं तो पीएसयू बैंक में और तेजी भी आना पॉसिबल है या अभी थोड़ा करेक्शन आएगा? नहीं कोई करेक्शन नहीं रहेगा, ये तो अभी करेक्शन से अभी शुरू हुआ चलना। अभी दो सेक्टर है, इंफ्रा और इंश्योरेंस सेक्टर, उनका थोड़ा देख लीजिए। इंश्योरेंस पीएफसी, दो शेयर है आरईसी और पीएफसी, बहुत अच्छे हैं दोनों, बहुत ही अच्छे शेयर हैं दोनों ही, मेरे फेवरेट है आरईसी और पीएफसी, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों ही बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं। इनफैक्ट आरईसी अगर देखो तो आरईसी 10% का डिविडेंड आपको हर साल देती है, 10% जो बैंक भी नहीं देती आपको, 6%-7% में आपको टका देती है, ये 10% का इसकी कंसिस्टेंसी है, मतलब दे ही रहा है ये। और स्टॉक के साथ साथ में आप अगर उसका मॉडल देखोगे ना, वर्किंग मॉडल बिजनेस देखोगे तो उसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छी है, 20-22-30% के बीच में इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन काम कर रही है। ये बेसिकली कंपनी जो है ना वो फाइनेंसिंग की कंपनी है, किसको फाइनेंस करती है, जो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट करते हैं ना उन कंपनीज को फाइनेंस करती है, और प्रोजेक्ट भी करके देती है, उसके बाद में प्रोजेक्ट को हैंडओवर भी करती है कुछ कुछ थोड़ा बहुत कम पोर्शन में। बेसिक इनका जो काम है वो है फाइनेंस करना, किसको, जो भी पावर कंपनीज है ना उन सबको फाइनेंस करना, जो पावर सेक्टर में काम कर रहा है ना उसको फाइनेंस करना। और अभी जो सेक्टर चलने वाला है ना, पावर सेक्टर बहुत अच्छा है, पावर सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, पावर सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कुछ 1-2 साल में, और ये कंटिन्यूटी रहेगी। कोई जब सेक्टर चलता है ना तो वो इमीडिएटली नहीं बैठता है, जैसे कोई ड्रॉप होता है ना कोई सेक्टर या कोई स्टॉक जब ड्रॉप होता है ना वो इमीडिएटली राइज नहीं करेगा, वैसे ही कोई अगर सेक्टर चलना शुरू होता है ना तो वो भी इमीडिएटली बैठता नहीं है, वो कंटिन्यू करता है जर्नी, वो इतना आसानी से रुकेगा नहीं। तो पावर सेक्टर भी बहुत अच्छा है, और पावर सेक्टर को जो फाइनेंस कर रही है कंपनी आरईसी वो भी बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात क्या, गलती क्या करते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं लोग, अब आरईसी में आपने इन्वेस्ट किया ठीक है, उसने आपको 10 रुपया दिया, 100 रुपये का शेयर है, 120 रुपये का शेयर है, 10-12 रुपये उसने दिए, आप क्या करते हैं वो 10-12 जो रुपए आपको मिले ना वो अपने पॉकेट में रख लेते हो, वो उसमें वापस नहीं डालते हो, ये सबसे बड़ी गलती होती है। आप इन्वेस्टमेंट मतलब वो वापस आप डालो ना, आपको तो उसने दिया है, अब उसका पैसा उसी को उसी कंपनी में डालोगे तभी तो आपकी ग्रोथ होगी। वो क्या करते हैं वो अपने पॉकेट में रख लेते हैं, फिर बोलेंगे आरईसी तो बढ़ नहीं रहा है। आरईसी अगर 10 साल में देखोगे तो काफी अच्छा डिविडेंड दे चुका है, 100 रुपये के आसपास डिविडेंड दे चुका है, कंपनी कंप्लीटली फ्री है। अगर किसी ने 10 साल से होल्ड करके रखा हुआ है तो 10 साल में उसने पूरा का पूरा पैसा आपको वापस कर दिया, फ्री में कंपनी आपके हाथ में पड़ी हुई है, और आने वाले टाइम में भी ये देने वाली डिविडेंड ये कंपनी रखती नहीं है। बेसिकली ये सरकारी कंपनी हुआ करती थी, अभी भी सरकारी है इनडायरेक्टली, पहले सरकार के हाथ में इसका पूरा का पूरा गवर्नेंस था, सरकार का कंट्रोलिंग स्टेक था, प्रमोटर जो था ना सरकारी थी, अभी सरकार क्या कर रही है, सरकार ने पीएफसी को इसे भेज दिया, अब पावर फाइनेंस कंपनी इसकी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसकी मालिक बन गई है, और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का मालिक कौन है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है, मतलब गवर्नमेंट को पैसे लेने थे तो उन्होंने क्या किया, पीएफसी से पैसा ले लिया और अपने पास रख लिया, और पीएफसी को बोला तुम आरईसी को रखो। सेम टू सेम केस एचपीसीएल के साथ में भी किया है, एचपीसीएल के साथ में क्या किया था, एचपीसीएल का जो स्टेक था गवर्नमेंट का वो ओएनजीसी को दे दिया, ओएनजीसी का कंट्रोलिंग स्टेक किसके पास है तो गवर्नमेंट के पास है, मतलब अपने एक पॉकेट से निकाल के दूसरे पॉकेट में, एक पॉकेट से पैसा निकाल के अपने पास रख लिया और कुछ नहीं किया। ये लोग क्या थी, कैश रिच कंपनी थी, मतलब कैश की कमी नहीं है, पीएफसी के पास में कैश की कमी नहीं थी, ओएनजीसी के पास में कैश की कमी नहीं थी, इनका क्या किया, कैश ले लिया गवर्नमेंट ने और कंपनी इनको दे दी, भैया तुम अपना कंपनी संभालो, तुम इसको कंट्रोल करो जो करना है। और फाइनेंस के बारे में मैंने आरईसी के और पीएफसी दोनों के बारे में बता दिया आपको, और किसके बारे में पूछना है, पावर सेक्टर में आईएक्स भी कंपनी है सर, आईएक्स देखो, आईएक्स क्या है, 76 रुपीज का स्टॉक, अगर उसका चार्ट देखोगे तो 76 का स्टॉक 300 रुपीज जा चुका है, मतलब 6 टाइम्स हो चुका है भैया, उसको थोड़ा टाइम तो दो, अभी उसका क्या है टाइम करेक्शन का है, अभी वो क्या करेगा लोगों को फंसाएगा, मतलब उसको थोड़ा थकाएगा, और थकाना जरूरी है, कम से कम 2-3 साल तक मुझे लगता है 2-3 साल तक आईएक्स परफॉर्म नहीं करना चाहिए, मतलब अपने हाई को नहीं तोड़ना चाहिए। टाटा पावर ले लें फिर पावर सेक्टर में, टाटा पावर अच्छी कंपनी है, लेना ना लेना आपकी मर्जी है, टाटा पावर ऐसे जनरली बहुत अच्छी कंपनी है, टाटा पावर बहुत अच्छी कंपनी है। अभी इंश्योरेंस सेक्टर भी अच्छा बूम कर रहा है, जीआईसीआरई है, एलआईसी वगैरह है, वो भी अच्छा चल रहे हैं अभी, एलआईसी में दिमाग लगाओ, मेरे हिसाब से एलआईसी और ये सब कंपनी लायक नहीं है, एलआईसी कम से कम 4-5 साल तक परफॉर्म नहीं करनी चाहिए, एचडीएफसी लाइफ या आईसीआईसीआई प्रू, एलआईसी एक चीज ध्यान रखो, एलआईसी है ना जब तक अपना हाई को नहीं तोड़े ना, मतलब 950 रुपीज को क्रॉस जब तक एलआईसी नहीं करे ना तब तक उसको मत खरीदना। क्यों नहीं खरीदना, साइकोलॉजी की बात समझाता हूँ, अगर समझ गए तो समझ जाओगे स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। साइकोलॉजी क्या है, 950 से 900 के रेंज में किसको मिला है, सारी पब्लिक को वो स्टॉक मिला हुआ है, सारी पब्लिक के पास क्या रेट पे खरीदा हुआ है, आईपीओ किस रेट पे आया था, क्या रेट पे आया था याद है, अप्लाई नहीं किया सर हमने आईपीओ ही, हाँ तो वो 950 के आसपास उसका आईपीओ का रेट था, 900 पे जिसके पास पॉलिसी पड़ी थी उसको 900 पे मिला था, कुछ ऐसे ही रेट पे आया था, 900 समथिंग पे आया था ठीक है। तो अभी क्या है, सारी पब्लिक के पास में वो रेट पे भर भर के शेयर पड़े हुए हैं, जो नए नए अकाउंट खुले थे ना पॉलिसी होल्डर जो भी हैं उन्होंने सिर्फ आईपीओ के ये एलआईसी का आईपीओ अप्लाई करने के लिए पॉलिसी रिन्यू करवाई अपनी या पॉलिसी ली, तो अभी साइकोलॉजी क्या है उनके पास फंसा हुआ है, उन्होंने 900 रुपये में खरीदा हुआ है, अभी क्या है 600 रुपये का भाव चल रहा है, 600-700 का भाव चल रहा है, अभी 600-700 का भाव कब तक रहेगा कहना मुश्किल है,
कितने साल तक चलेगा कहना मुश्किल है। अभी क्या है, यहाँ पे जो खरीद के बैठा ना, जब वो भाव बढ़ेगा ना 800 850 900 के लेवल पे जाएगा, तो उसका भाव आएगा कितने साल बाद में आएगा, 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल, वो तो परेशान है। जो ले लिया है, जिसने लेके रखा हुआ है LIC का शेयर, वो बंदा परेशान है। अब वो जो भाव आएगा तो वो वहां पे सप्लाई करेगा, वो बेचेगा अपना शेयर, बोला निकलो 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 निकलो, तो वो कम से कम उसको 3-4 साल तक उसको LIC को घसीटना पड़ेगा, 3-4 साल तक उस LIC मतलब उस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा। अगर वो क्रॉस कर जाता है तो फिर 1000 रुपीज क्रॉस करता है ना, खरीदो, उससे पहले मत खरीदो, सस्ते में मत खरीदो, कोई भी चीज महंगे में खरीदो भाई। इस स्टॉक के साथ में LIC के साथ में सेम टू सेम आप ये वाली कंडीशन देखोगे तो रिलायंस पावर करके 2008 में भर भर के शेयर आए थे इसके, रिलायंस पावर के जबरदस्त, मतलब बहुत लोगों ने उस समय अकाउंट खोला था सिर्फ रिलायंस पावर के शेयर खरीदने के लिए, और उसने अपने जो लिस्टिंग प्राइस था ना उसको आज तक क्रॉस नहीं किया। अभी DFM फूड डिलीस्ट हो रहा है कुछ रेट के ऊपर में, DFM फूड DFMS में क्या है, बहुत बड़ा पंगा है। पंगा क्या है मैं समझा देता हूँ, उसमें जब वो डिलिस्टिंग का जो स्टार्ट हुआ था ना, अनाउंसमेंट स्टार्ट हुई थी, उससे पहले ही काम हो चुका था, उससे पहले उसने 10-10, 20-20% किसी ने स्टेक उठाया है। अब पता नहीं चल रहा है क्या किया है क्या नहीं किया है। कंपनी बहुत अच्छी है डिलिस्टिंग के हिसाब से, मतलब वो चाह रही है कि अपने आपको डिलीट करा, जैसे BEDL और ये सब भी चाह रही थी ना अपने आपको डिलीट करवा ले, तो इसने भी DFMS ने भी ट्राई किया था अपने आपको डिलीट करवा ले, मतलब स्टॉक मार्केट से हटा ले अपने आपको। लेकिन वो जो रेट था ना स्टार्टिंग में जब इसकी अनाउंसमेंट आई थी, उस समय बहुत अच्छा लुक्रेटिव रेट था, बहुत ही अच्छा रेट था, 200-250 के आसपास में काम कर रहा था। और वो आने से पहले, मतलब अनाउंसमेंट आने से पहले से ही किसी, जनरली होता ही है इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पास होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन पास होने के कारण मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा इंक्रीमेंट मिल गया था, उसमें 20-20% की राइज आई थी। और वेदांता में भी तो ऐसे हुआ था सर, डिलीट का हुआ है, उसके बाद डिलीट हुआ नहीं लेकिन प्राइस को बचे भाग गया उसका, कौन सा वेदांता का, वेदांता नहीं, वेदांता तो इंट्रिंसिकली बहुत वैल्यूएबल कंपनी है, उसके पास कैश इतना है, वो हर साल आपको डिविडेंड देती है, जबरदस्त है उसका। वो तो मैनेजमेंट ने बदमाशी की थी, मैनेजमेंट ने क्या किया था मालूम है, उसने कुछ 20,000 करोड़ का खर्चा जबरदस्ती कर दिया और उसकी वैल्यूएशन कम लेके आ गए, और बहुत सारा इसमें मैनिपुलेशन हुआ था BEDL के केस में, वो उसकी वैल्यूएशन कम करने के लिए इन लोगों ने बहुत ज्यादा बदमाशी की थी, BEDL के प्रमोटर और ने बहुत सारा काम किया था, वैसा इसका केस नहीं है, DFMS का केस वैसा नहीं है। और बहुत कम वैल्यूएशन रखी थी LIC ने, अगर हिम्मत LIC ने उस समय हिम्मत दिखा के उसका वैल्यूएशन 350 रुपीज या कुछ ऐसा दिया था, वो उस समय 80-70 रुपीज के आसपास कंपनी को डिलीट करवाने का इनका प्लान था, और 110-112 रुपए का भाव शायद उस समय कंपनी का चल रहा था, तो वो तो बहुत अंडर वैल्यूड में वो लेना चाह रही थी। अभी वो 19-20 रुपए तो अभी डिविडेंड दे रही है वो कंपनी, 19-20 रुपए जो डिविडेंड दे रही है, तो समझ लो 4 साल में तो आपको पूरा फ्री कर लेती है अगर 80 रुपए का भाव रहता। तो मैनेजमेंट ने अपने आपको कमजोर दिखाने के लिए आनंद फानंद में कुछ खर्चा किया, एक 20,000 करोड़ का एक जबरदस्ती का खर्चा दिखाया ताकि उसको कंपनी का कुछ नेगेटिव दिखा सके। इंश्योरेंस सेक्टर में HDFC लाइफ और ICICI जनरल प्रूडेंशियल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी, GICRE तो कर ही चुका है वैसे, और भी करेगा क्या आगे, कौन सा वाला स्टॉक, एक नाम बोलो, एक स्टॉक बोलो खाली, HDFC लाइफ, HDFC लाइफ लाइफ और GICRE, नहीं है वो HDFC लाइफ में टाइम आएगा भाई, कुछ ऐसा दम वाला बात, 585 का भाई है सर मेरा, 585 का, कहना मुश्किल है इस स्टॉक के बारे में कमेंट करना मुश्किल है अभी मेरे हिसाब से, टाइम लगना चाहिए इसमें, वीकली चार्ट देख रहा हूँ सर, वीकली अच्छा दिखा रहा है मुझे, तो वीकली मंथली कुछ भी देख लो, इसमें मुझे लग रहा है टाइम लगेगा, RSI भी 60 अबव है सर इसका, कुछ भी हो मुझे लग रहा है टाइम लगेगा इसमें। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, थैंक यू आपने ये सेशन लिया, बजाज फाइनेंस माइंडट्री और SRF के बारे में पूछना, एक साल के लिए कैसा रहेगा, एक साल के लिए तो बजाज फाइनेंस और ये सब, बजाज फाइनेंस एक साल के लिए तो कहना मुश्किल है, बहुत अच्छी कंपनी है वो, लेकिन एक साल के हिसाब से बताना बहुत मुश्किल है, और 5 साल इस सेक्टर में एकदम राजा है ये बजाज फाइनेंस, लेकिन अभी की जो मूव आई है ना करेक्शन, वो थोड़ा सा डाउटफुल क्रिएट, डाउट क्रिएट कर रहा है इसके बारे में, ठीक है ना, जो अभी डाउन मूव आई है ना हाल फिलहाल में, ये जो 10-12% नीचे मूव किया था ना, ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा है, ये दिख रहा है ये वाला, ये जो फॉल आई थी यहाँ से, तो यहाँ पे बाई करने की बिल्कुल भी मेरी सलाह नहीं है इस जगह पे, इस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट से फंडामेंटली और सब कुछ अपनी जगह सही है, सब कुछ अच्छा है इस कंपनी में, लेकिन चार्ट देख के मुझे कन्विक्शन नहीं है। और कौन सा बोला, SIP मोड में कर सकते हैं 5,000 तक बाई करते रहे, नहीं मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं जबरदस्ती का वो SIP करो या कुछ भी करो, नहीं ठीक लग रहा तो नहीं लग रहा, सीधी मेरा सीधा है, मतलब कोई घुमा फिरा के बात नहीं करने का, जो भी दिख रहा है वो उसके हिसाब से मैं इसमें कभी अभी राय नहीं दूंगा बिल्कुल भी। ये क्या होगा, ये बाद में ये करेक्ट, मतलब ये जो मूव आई थी ना उसका करेक्शन है, ये कब तक खत्म होगा, कहाँ खत्म होगा कहना मुश्किल है, यहाँ पे तो नहीं बाई करने के लिए सलाह दूंगा। अब बहुत ही लॉन्ग टर्म किसी को सोचना है या इन्वेस्ट करना है तो वो अपनी मर्जी से कर सकता है, चार्ट के हिसाब से मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और कौन सा स्टॉक बोला आपने, माइंड ट्री और SRF, माइंड ट्री वही इसकी होगी ना, IT सेक्टर की कंपनी होगी, IT सेक्टर अभी थोड़ा टाइम लगेगा। देखो आप समझने की कोशिश करो, इसने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है, अब देखो तो 1200 से ये 2020 में 1200 रुपए का लेवल था और 5000 का लेवल ये गया आपका, अब ये करेक्शन मोड में है और IT सेक्टर पूरा का पूरा भी करेक्शन मोड में है, सारे स्टॉक इस सेक्टर के लगभग उसी मोड में चल रहे हैं सर। LTI माइंड ट्री था, हाँ LTI माइंड ट्री है, वो तो वो हो ही है ना,
सेम है, सेम है, कोई चार्ट चेंज नहीं। आईटी सेक्टर में बताया ना, अभी आईटी सेक्टर में क्यों लोग घुस रहे हैं मालूम है क्या? आप समझने की कोशिश करो, अभी कौन घुस रहा होगा या क्यों घुस रहे हैं? मैंने आपको दो तीन चीज बताई थी, ये सेशन स्टार्ट होने से तक मैंने ये बोला था कि फॉरेन मार्केट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है? फॉरेन मार्केट अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है तो आईटी सेक्टर किसको देती है? ज्यादातर एक्सपोर्ट ही होती है ना, उसकी सर्विस वहीं पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये, तो वहां से एक अच्छा मतलब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। ये देखो यहाँ पे जुलाई 2021 की बात है, तब ये लगभग 2000 के आसपास खड़ा था, 2000 से कहां तक गया, 2000 से 8000 गया, ठीक है? लगभग चार गुना यहां से हो चुका है स्टॉक, उसके बाद में ये करेक्ट कर रहा है। अभी ये 4000 पे आके खड़ा हुआ है, कितने दिन तक यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा कहना मुश्किल है, और ये लंबा टाइम लगता है, ये इतनी आसानी से इन लेवल्स को क्रॉस नहीं करने वाला है, इसमें थोड़ा लंबा टाइम रहेगा। इसमें क्यों घुसते हैं लोग मालूम है क्या? क्योंकि जुलाई 2021 या इस समय क्या बोलेंगे कि आईटी सेक्टर बहुत जबरदस्त था, 2000 से सीधा कहां तक गया, 2000 से कहां तक गया, 8000 तक गया, ठीक है? समझने की कोशिश करो, साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो, ठीक है? 2000 से 8000 किसको दिखाई देगा? कोई अगर बच्चा भी होगा ना तो उसको भी ये 2000 से 8000 दिखाई देगा, और जो चीज सबको दिखाई देना वो स्टॉक मार्केट नहीं करेगा। अभी किसी से भी पूछोगे ना कि LTI Mindtree का क्या लगता है आपको, वो बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत जबरदस्त कंपनी है, किसी से ही पूछ लेना, टीवी चैनल कहीं पे भी बात करोगे ना तो सब बोलेंगे बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली साउंड है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और जो सब कोई बोले ना कि परफॉर्म करेगा, सारे लोग बोले ना, वो चीज परफॉर्म नहीं करेगी। ये स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी है, जहां पे ये फील हो ना कि ये परफॉर्म नहीं कर सकता, ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर सकता, वो चीज परफॉर्म करती है। स्टॉक मार्केट एकदम उल्टा काम करती है, जो चीज सबको पता है ना वहां पे काम नहीं होगा। अब जैसे SBI के बारे में किसी को भी अगर एक साल डेढ़ साल पहले किसी से पूछा होता ना आपने, तो वो बोलेगा कि ये परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि ये सरकारी कंपनी है, बहुत सारे रीजन दे देंगे आपको कि ये परफॉर्म नहीं करेगा। और आज कौन सा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, तो वही SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब स्टॉक बहुत तेजी से भाग रहे हैं क्योंकि उस पर विश्वास नहीं है लोगों को अभी। तो मैं तो क्या है, ब्लंट आदमी हूं एकदम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचे, या स्टॉक चाहे बढ़ जाए या घट जाए, मेरा जो व्यू है वो व्यू है। अब ये अलग से देख लीजिए साथ में, क्या टाटा एलेक्सी तो चल चुका ना, कितना बड़ा हो गया वो भी सेम ऐसे ही सर, जैसे LTI चला ऐसे वो भी चल रहा है अभी, 6000 के समथिंग मिल रहा होगा वो भी, वो सब चल रहा है। कोई स्टॉक भाई कितना बढ़ेगा, बढ़ गया, अब उसके पीछे कौन भागता है? अब देखो मैं जो आप बोल रहे हैं LTI और टाटा एलेक्सी, अब मैं एक चार्ट दिखाता हूं। अब ये कहानी इनके साथ हो जाए तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है? ये आपका HEG का नाम सुना है? HEG शेयर का सुना है सर, सुना है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया इसने भी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था सर, बहुत लोगों ने सुना है कई सालों से, मतलब इसके बारे में सुना होगा। अब उसका चार्ट और इसका चार्ट आप मिला लेना, कितना 5000 तक गया ये स्टॉक, कहां से गया था ये, मैं जो लाइन गोल गोले वाले बना रहा हूँ दिखाई देते हैं क्या? ये गोले बना रहे, जो गोला बनाया वो दिखाई दिया क्या? अभी तो नहीं दिखाई दिया सर, नहीं दिखाई दिया था, मतलब मैं बेकार ही बना रहा हूँ। ठीक है, काम करते हैं, फिर से एक बार कर देता हूँ इंटायर स्क्रीन शेयर, PNC और ये रहा। अब ये देखो ये स्टॉक कौन सा है, HEG है ना। HEG कभी किस रेट में चलता था, 400-500 रुपए के रेट में चलता था, या कहां 500 के आसपास ना, 400-500, यहां से ये 5000 गया। अब 5000 गया ना, ये वाला किसके किसके दिमाग में होगा मालूम है? 2017-18 के टाइम पे ये तेजी आई थी, 2018 से लेकर ये तेजी जो आई थी ना, 2018 या सितंबर 2017 से लेकर 2018 या 2019 एंड तक ये तेजी चली थी। 500 का स्टॉक 5000 हो गया, अब क्या हो रहा है, स्टॉक क्या हो रहा है, ये करेक्ट कर रहा है। अब ये जो आपका जो टाटा एलेक्सी है ना, वो भी इस जर्नी को अभी कर चुका है कंप्लीट, जस्ट यहां से चला था और यहां तक आ चुका है, ठीक है? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहां से यहां तक टाटा एलेक्सी ने कंप्लीट कर ली अपनी जर्नी, स्टॉक खराब नहीं है टाटा एलेक्सी, लेकिन क्या है चार्ट क्या हो गया, नीचे का करेक्शन टाइम वाइज करेक्शन में आ गया। तो अब ये क्या किया, ये जो स्टार्ट किया ना, ये 5000 का भी 2000 हुआ, 2000 का 1700, इतना तो नहीं गिरेगा, लेकिन जब ये गिर रहा था ना तब लोग तब भी ये बोल रहे थे कि 5000 का स्टॉक ये तो नहीं जाएगा, ये कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, बहुत जबरदस्त स्टॉक है, ऐसा है वैसा है, कितनी साइकोलॉजी आपको दे देंगे, कोई टीवी चैनल वाला नहीं बोलेगा उस समय, तो ये 2019 है ना, 2020 तक कोई नहीं बोलेगा कि खराब है। फिर क्या हुआ, 700-800 ये भाव आ गए, 700 के 1400 रुपये, फिर ये इसमें उछाल शुरू हुई। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि क्या हो सकता है LTI और ये सब ना, उनके साथ भी क्या हो सकता है, हालांकि इतना नीचे नहीं आएगा क्योंकि फंडामेंटली काफी साउंड है ये, उतनी साउंड कंपनी नहीं है। देख रहे हो 1000 रुपए के आसपास खड़ा है, कितने साल निकल गए, 2019 से लेकर 2023, 4 साल खत्म हो गए, और कम से कम 3 साल इसमें और लगने वाले लोगों के। ऐसे स्टॉक में ना, टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक में क्या है, सिर्फ अपना प्रॉफिट बुक करो, बाकी स्टॉक अब इसके भरोसे ही छोड़ दो। ये देखो 200 कब टूटा था और क्या स्थिति है, 8000 के पास में बस हो गया इसका काम, ये मेरे ख्याल से बजाज फाइनेंस उसी के पास में काम कर रहा होगा। सर 3-4 साल के व्यू से कैसा है बता देता हूँ, चार्ट अच्छा है, नीतीश सर ने बताया सर, ये क्या चीज की कंपनी है, ये तुम्हारा केमिकल से रिलेटेड है,
स्टार्ट तो ठीक अभी। और कौन सा है बोलो? और रुचि इंफ्रा प्रोजेक्ट कौन सा? रुचि इंफ्रा 14 रुपए के ऊपर बाय बनता है सर। रुचि इंफ्रा कहाँ कहाँ से स्टार्ट करते हो यार? ये तो सर वो स्टार्टिंग फंडामेंटली नहीं होगा इसमें, क्या फंडामेंटल होगा? कुछ फंडामेंटली नहीं होगा। मैं तो सर 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ उसमें और 14 रुपए के ऊपर बाय बना रहा हूँ सर। बना लो यार, कहाँ बनाना है? ये फंडामेंटली कुछ लग ही नहीं रहा है, इसका चार्ट देख ही लग रहा है फंडामेंटल नहीं होगी इसके। देख लें, चलो देख ही लेते हैं। चार्ट में फंडामेंटल तो अच्छा नहीं होगा सर, शायद टेक्निकल देखा सर मैंने खाली। फंडामेंटल तो ठीक ही लग रहा है, ज्यादा तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है। उफ बाप रे बाप, देख लो क्या हुआ है, क्या बोलूं इसमें, कुछ कहना मुश्किल है। कुछ इसने कुछ सेल वेल किया क्या, अपना लैंड वैंड बैंक कुछ सेल किया क्या? डिटेल एनालिसिस तो नहीं किया सर, खाली टेक्निकल देखा था, स्टार्ट वगैरह देख के किया सर खाली। कुछ ना कुछ किया है इसने, पता नहीं क्या किया है, कुछ होगा अंदर में। अभी तो 11 रुपए के आसपास है, 9 रुपए के आसपास मिलता है तो ले सकते हैं, 7 रुपए का स्टॉप लॉस है। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल कंपनी समझ में नहीं आ रही, जबरदस्ती क्या व्यू दूं अपना। अमित मेरा एक सवाल था, बोलो भाई। ये पूछे थे कि एचएल का एक बार फिर से चार्ट देख के बताएं कि कैसा चल रहा है। एचएल मुझे, हां एचएल का, एचएल को तुमको पहले ही बोला था भैया बहुत अच्छा है। हां वो तो है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं खुद, तो उसी में काम करते हो, उसी का पूछ रहे वाले। बहुत अच्छा, मुझे चार्ट देखना उतना अच्छा चाहता नहीं, इसलिए देख करके समझना नहीं, था। बहुत अच्छा अगर एचएल का चार्ट देखें तो एचएल भी कम टाइम में बहुत ज्यादा रनअप कर चुका है। एचएल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाला था, एचएल मैं पहले ही सजेस्ट कर चुका हूँ। मेरा जो लेवल था वो कहाँ पे मैंने बोला, 700-800 रुपए पे बाई जिसने किया, नहीं मैंने 1500 पे बाई दिया था सर, यहीं पे दिया था 750-800। तो भाई उस जगह तो मैं कभी दे नहीं सकता। अब इसका देख लीजिए सर, 200 डे मूविंग एवरेज कहाँ पे, उसके अगर नीचे जाए तो फिर तो बाय नहीं बनेगा ना। नहीं नहीं, यह कंटिन्यू करेगा मूवमेंट नीचे जाना मुश्किल है सेक्टर का। इसी सेक्टर का बीडीए ले लिया जाए कम रेट पे। बहुत अच्छा है BDL, हमने 300 पे खरीदा। मेरे जो इस टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए ना, उन सब ने खरीदा हुआ है BDL। BDL किस रेट पे खरीदा हुआ वो भी बता देता हूँ, 300 के लेवल पे हमने खरीदा हुआ है इसको। और यहीं फ्रेश एंट्री कहाँ जाए सर, फ्रेश एंट्री आपके हिसाब से? इसमें फ्रेश एंट्री सर फंडामेंटली देखा जाए तो ये जो इसको टच कर रहा था ना, उस जगह पे बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट था, क्योंकि हल जो है सर जो तो डिविडेंड भी और ग्रोथ में दोनों में बेटर है। डिविडेंड भी अच्छा रहता है 15 रुपए। अभी मेरी सही बोलो ना, तो ऐसे स्टॉक में अब मेरी एंट्री का नहीं रहता है, अभी तो खाली राइड करने का समय रहता है। ये जो होता है ना, इसमें हमने अप्रॉक्सीमेटली 900 के आसपास अपना बुक करवा दिया था प्रॉफिट। 900 तो डिफेंस सेक्टर का ब्राइट फ्यूचर है ना अभी तो, जो भी रहे ये स्टॉक अपने को बहुत दे चुका है रिटर्न। अब इसमें क्या है, सिर्फ अपना 3 गुना करने के बाद में, 3 टाइम्स होने के बाद में, अप्रॉक्सिमेटली 3 टाइम्स हो गया था ये, तो वहां पे पहुंचने के बाद में 300 के अप्रॉक्स ये लेवल पे हमारे रडार पे था, और वहां से ये 900 के आसपास आ चुका है और बहुत कम टाइम में आया है। तो यहाँ पे सिर्फ जो अपना कैपिटल होता है ना वो निकालना होता है, बाकी अमाउंट पड़ा रहने दो। बाकी जब ये अप्रॉक्सिमेटली 3000 के आसपास जाएगा ना, वहां पे 90% अपनी पोजीशन बुक करनी होती है, 10% फिर भी पड़ा रहने देना होता है। अमित अभी जैसे बजट आने वाला है, तो बजट को लेकर कोई स्पेशल सेक्टर आपके दिमाग में? कोई सेक्टर नहीं है, बजट बजट सब मोमेंट्री होता है, सब मोमेंट्री होता है, सब मोमेंट्री होता है, कोई उसका कुछ नहीं है। जो देखो अभी सेक्टर की बात कर रहे हो ना, तो बीएसयू सेक्टर बहुत अच्छा है। बीएसयू में आप एनटीपीसी उठा लो, बहुत अच्छा है, ये आपने बताया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उठा लो, ये भी आपने बताया था। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत अच्छा है। फिर सरकारी कंपनी में कुछ कुछ कंपनी है जो बहुत अच्छी है। अभी टेन वाला केमिकल का चार्ट देखें सर, टेन वाला केमिकल कौन सा? टेन वाला केमिकल, TANWALA केमिकल। चार्ट तो बढ़िया, एंट्री बनती है। रिटेस्ट करने आएगा सर दोबारा? रिटेस्ट पे ले ले एंट्री, कितने पे आएगा रिटेस्ट करने? नहीं नहीं रिफ्रेश रिटेस्ट का मत दिमाग लगाओ, घुसना है तो घुस जाओ। घुस जाए सर। एक आदित्य बिड़ला फैशन रिटेल करके है सर, बढ़िया कंपनी है, फैशन एंड रिटेल 275 के समथिंग चल रहा होगा अभी। बढ़िया कंपनी है, अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी है। TNGRS ऐसा ये अमित अमित इसका मतलब ये ना, ये हीरो हर साल डिविडेंड भी बहुत अच्छा दे रहा है, छोटी कंपनी है, प्रॉफिट भी क्वार्टरली ईयरली सब कुछ मतलब फंडामेंटली भी सही लग रहा है, बट वो कंपेयर टू अदर आईटी स्टॉक्स ना ये जो करेक्शन हुआ है ना, ये नहीं हुआ उनके हिसाब से नहीं हुआ, तो क्या मतलब व्हाट इज द, ये बहुत अच्छा साइन होता है। हां ये बहुत अच्छा साइन होता है। आपकी तरफ से कोई शेयर है आपकी तरफ से सर? मंथली देख लेते, मंथली तो है ही। रुको एक मिनट रुको, जनरली क्या है मुझे जो स्टॉक बढ़िया लगते हैं ना वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, देख लेते हैं एक मिनट को बताई देता हूँ। कुछ है तो आपका पेटीएम में एक एक टाटा इन्वेस्टमेंट देखना, इसमें कुछ अभी और बचा है क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट टाटा का तो अभी एक मिनट को एक स्टॉक बता देने दो यार, ज्वाइन किया उसको कुछ फायदा हो जाए। अमर राजा बैटरी एक अच्छा स्टॉक है, 540 का स्टॉप लॉस आएगा, ठीक है। और बाकी मैक्सिमम स्टॉक चल चुके हैं अभी हाल फिलहाल में, अगर लंबे टाइम के हिसाब से खरीदना महिंद्रा एंड महिंद्रा खरीद लेना, और ये महिंद्रा सीआई जरूर खरीद लेना, ये बहुत अच्छा स्टॉक है महिंद्रा सीआई। शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म के लिए सर? अरे बिल्कुल लॉन्ग टर्म के, बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से बता रहा हूँ, कम से कम 1200-1300 रुपये भाव जाएगा इसका। मंडे को खरीदते हैं सर कल ही, इसलिए महिंद्रा बात कर लेना भाई, बड़ा डिस्क्लेमर विस्क्लेमर आने लग गया आजकल सर। MFL एक शेयर है, MFL तो ये है ना, फाइनेंशियल सर्विस वाला है
हाँ सर, तो सर उसका एक रिलेटिव है मेरा, उसने उससे पहले ले रखा था, तो बाद में इनका डीमर्जर वगैरह हुआ था एमएफएल का, देखा होगा आपने भी, तो उसके पास उसने क्या है 5 शेयर मिला उसको एमएफएल का 80 रुपीज के रेट पे, और अभी तो वो बहुत हाई पे चल रहा है, तो उसको क्या बुक कर लेना चाहिए 5 शेयर या उसमें और ऐड करना चाहिए? 5 शेयर उसको लगभग 1500% का रिटर्न काम कर रहा है, उसको सब मालूम ही है, फिर क्या उसको टेंशन है? 1500% का रिटर्न दे रहा है उसने अभी उसको 5 शेयर में। शेयर कितने हैं उसके पास ये बताओ ना, शेयर ही नहीं उसके पास, 5 शेयर है ओनली। क्या मिला ये आईपीओ का सर, अलॉटमेंट का चांस बढ़ाने के लिए अकाउंट ज्यादा होने चाहिए क्या, या एक अकाउंट से भी कुछ लगेगा किस्मत सबकी? फैमिली वाले अकाउंट से करो ना, फैमिली वाले जो भी हैं उसमें कर सकते हो। नहीं सर, मैंने तो आपके लिंक के थ्रू जो अकाउंट खोला था पेटीएम में वाइफ के नाम से, तो उसे अकाउंट से मैं करता हूँ, कभी एसएमई वाला निकलता है जिसका जीएमपी अच्छा रहता है वो, या फिर इसमें जो आईपीओ आईपीओ जिसका अच्छा प्रीमियम रहता है उसी को, जो आप रिकमेंड करते हैं, लेकिन सर निकलता नहीं है सर वो, बात ये है ना निकलता नहीं है, लेकिन निकले नहीं निकले वो लक पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल सर, अगर सर नहीं निकले तो फिर वो लिस्टिंग वाले दिन खरीदा जाए उसको? नहीं नहीं कभी नहीं, मैं बताता हूँ ना लिस्टिंग गेम के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए वो भी तो बताता हूँ ना। बिल्कुल सर बिल्कुल, बताते हैं आपको। सीआई के ऊपर मैंने वीडियो रिलीज कर दिया है, एक बनाया हुआ था वो डाल दिया, ठीक है, अमर राजा बैटरी को बताई दिया मैंने, और नर्मदा जिलेंटाइन ये समय, ये उषा मार्टिन भी बहुत अच्छा है, उसा मार्टिन है, फिर आपका नर्मदा जिले तो सर ये उस टाइम पे इसका हो गया, उसका कांड होना था वो हो गया। हाँ, हो गया। फैक्ट में क्या सर अभी फैक्ट? एफएसीबी हो गया भाई काम, मतलब अब जिसने उस समय खरीदा ना 142 उसको अपना प्रॉफिट निकाल के होल्ड करना चाहिए। अभी सर जो पीएसयू बैंक रैली रैली आई थी उसमें एसबीआई ने तो इतना पार्टिसिपेट नहीं किया है, वैसे आप देख रहे होंगे एसबीआई ने फॉल ही कहां किया ये बताओ ना। नहीं फॉल भी नहीं किया है, सस्टेन कर रहा है वो तो, लेकिन पार्टिसिपेट भी नहीं किया रैली में, टिका हुआ है, तो अभी लेना अच्छा रहेगा उसको तो एसबीआई तो या एयू बैंक में ऐड कर दे। एयू बैंक भी अच्छा है, एसबीआई ज्यादा बेटर है, और ये भी बहुत अच्छा है, क्या नाम है, बीओबी भी बहुत अच्छा है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी बहुत अच्छा है, फेडरल बैंक भी अच्छा है, बैंकिंग 1 ईयर में तो रिटर्न दे चुका है सर, बैंक ऑफ बड़ौदा ज्यादा रिटर्न दे चुका है 100% से ज्यादा हो चुका है 1 ईयर में वो तो। 100% कोई वो मायने वो नहीं रखता ना, जब 4-5 गुना होने का कैपेबिलिटी रखता है तो। इन्वेस्टमेंट का पूछ रहा था कि अभी होल्ड करना है कि इसका हो गया, होल्ड होल्ड टाटा इन्वेस्टमेंट होल्ड है, टाटा इन्वेस्टमेंट का आईपीओ आने वाला था सर, टाटा का कौन सा आईपीओ आने वाला अभी? हां ये आने वाला है टाटा इन्वेस्टमेंट, एक बार देख लेता हूं, फिर भी टाटा इन्वेस्टमेंट बहुत जबरदस्त मूव दे चुका है अभी, ये अगर 1750 के आसपास अगर दिखे ना तो फिर वहां पे खरीदने का लेवल है 1750, ठीक है, याद रखना। समझ आ गया, टारगेट कुछ होगा क्या मतलब 3-4 साल का भी उसे? ये कम से कम देखो, अगर तुम होल्ड कर सकते हो ना इसको राजू, अगर होल्ड कर सकते हो तो इसका टारगेट कम से कम मेरे हिसाब से 13-14 हज़ार पे जाता है। मेरा प्रिंसिपल निकाला हुआ है सिर्फ प्रॉफिट बचा, तो फिर इसमें कुछ सोचना ही नहीं है तुमको, कुछ नहीं करना है, होल्ड करो एकदम, आग बंद करके, अरे जब शेयर मार्केट देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है, इसमें बस कैपेबिलिटी चाहिए, इसको होल्ड कर लेना, अगर प्रॉफिट बुक कर लिया तो पूरा होल्ड करो, ये कम से कम 13-14 हज़ार का जाएगा, और याद करोगे मेरे को ना, इसमें ज्वाइन करना चाहता है तो वो फ्री में अपना पेटीएम अकाउंट खोल सकता है, खोल के उसके अंदर आ जाए तो ज्वाइन करवा देंगे इसमें पेटीएम या फिर SES ऑनलाइन, SES ऑनलाइन जैसे अभी मैं दिखा देता हूँ आपको मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये यह है SES ऑनलाइन वाला जो मेरा ऑप्शन बायर के लिए, लो कैपिटल वाले के लिए भी कुछ क्लास वगैरह है क्या आने वाले टाइम में कभी? नहीं नहीं मैं ऑप्शन बाइंग करता ही नहीं हूँ ना, जबरदस्ती मैं अंगली करना चाहता हूँ किसी को, सेलिंग का तो बहुत गलत चीज होती है, ऑप्शन बाइंग बहुत गलत चीज होती है भाई, ये देखो ये हम लोगों का ये प्रॉफिट रनिंग प्रॉफिट चल रहा है अभी, पिछले महीने तो अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ लेकिन उससे पहले मतलब जो भी रहता है ना मैं यहाँ पे डालते रहता हूँ, और लाइव ट्रेड जो भी रहता है वो सारे डालते रहते हैं जैसा चल रहा है मार्केट के हिसाब से काम करते हैं। बिल्कुल कैपिटल सेव करना ज्यादा जरूरी है सर। नहीं यहाँ पूरा कम्प्लीटली आज वही सेशन जो था ना कम्प्लीटली कैपिटल सेविंग पे ही थी, समझ नहीं आया तो नया ज्यादा कुछ समझ में आया नहीं। आप ज्वाइन किए थे क्या? ज्वाइन तो किया था सर, आप हेजिंग वगैरह या कुछ वो ड्रैगन फ्लाई बटन क्या करता है जो भी करते हैं ना काम हेजिंग के साथ में करते हैं, हेजिंग के साथ कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा सर कम से कम उसके लिए, उसमें 60,000 रुपए चाहिए मिनिमम, 60,000 रुपए मिनिमम। ओके ओके, और मंथली कितना रिटर्न मिल जाता है उसमें लगभग 1% 2% कितना? रिटर्न की बात नहीं करनी चाहिए यहाँ पे, आपकी कैपिटल सेव हो रही है कि नहीं वो देखना चाहिए यहाँ पे, आप जब देख रहे हो कि 130,000 रुपए में कभी 30,000 भी आ गया था, 36,000 आया था, ठीक है सर, और वहाँ पे लगने के लिए 5,000 रुपए लगा भी था लास्ट मंथ, और इस मंथ हम लोग अभी 7,000-8,000 रुपए के प्रॉफिट में अभी बैठे हुए। वही सर आरओआई उसी हिसाब से पूछ रहा हूँ, 1% मंथली मुश्किल है, आरओआई कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहा है अपना, लक भी देखो इसमें लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, हम लोग रिस्क अपनी मैनेज करते हैं साथ साथ में प्रॉफिट को ट्रेल भी करते हैं, अगर प्रॉफिट हो रहा होता है ना तो उसको हम ट्रेल करते जाते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ पे बुक करके बैठ गए, हम लोग ट्रेल करते हैं ना उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, तो वो कब कितना देगा कुछ पता नहीं है। अब मैं कह दूँ यहाँ पे हमारी जो अप्रॉक्सीमेट जो मेरी जो एक्सपेक्टेशन रहती है वो 8% के आसपास रहती है, 8% के आसपास आ जाना चाहिए, इतना हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है, तो बहुत सिंपल सा काम करता हूँ, जो भी प्रॉफिट आता है ना वो मैं फिर स्टॉक में डाल देता हूँ। बिल्कुल सर सही है सर, वो तो जरूरी है, तो क्या मेरा प्रॉफिट रनिंग जो भी रहेगा ना वो उसमें इन्वेस्ट होता चला जाएगा। तो ये तो सर सीखना पड़ेगा थोड़ा आपसे, आपकी क्लास वगैरह इसकी आपके यूट्यूब पे हो सर, इसके अवेलेबल पहले से? इस पे तो नहीं है कुछ मेरा ऐसा, ये वाला जो कल आज जो सेशन लिया था वो तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था, मतलब जो सी पी ऐसे नॉर्मली तो पता है सर, सी क्या है पी क्या है बाई कैसे करना है, अभी सेलिंग या हेजिंग वो करना है, देखो मैं सिंपल सा बताता हूं, ये समझने के लिए क्या चाहिए आपको, ये समझने के लिए आपको इस फील्ड में कूदना पड़ेगा थोड़ा, तो मतलब एक बार आपको चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो वो नहीं सोचना है, एक बार आपको जंप करना पड़ेगा, और आप ऐसे नहीं जंप कर सकते, आपका कैपिटल पहले प्रोटेक्ट होना चाहिए, प्रोटेक्ट मतलब कि आपका सैलरी या कुछ ना कुछ आना चाहिए उसके बाद ही आप करो, ये नहीं कि अपनी गाड़ी कमाई लेके कूद जाए, एक बार सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए उतना अमाउंट चाहिए, 1,30,000 के आसपास अमाउंट चाहिए, उतने में अगर आप आते हो तो फिर आप प्रैक्टिस करके देखो, जो मैं ट्रेड देता हूँ उसमें काम करके, मतलब जो मैं ट्रेड लेता हूँ मैं तो वही सिर्फ शेयर करता हूँ, मेरे को रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, सिंपल सा जो मैं ट्रेड लेता हूँ वही मैं डाल रहा हूँ, तो आप उसको कॉपी करना चाहो तो कर सकते हो, लोग कर रहे हैं और काफी लोगों की स्क्रीनशॉट भी डाली है मैंने उसमें, तो देखो देखना पड़ेगा सर, जैसे निफ्टी अभी 18,000 है तो कितना का पी सेल करना है, कितना बाय करना है, कितने पॉइंट दूर का थोड़ा सीखना पड़ेगा ना।
एक बार करोगे ना तो अपने आप सब सीख जाओगे। अभी तो खाली इतना पता है 18,000 चला तो 18,000 का सी ये है पी ये है ले लिया एग्जिट कर दिया उतना तो समझ में आता है अभी, लेकिन वो तो आप समझा रहा हूं। अभी एक आदमी को अगर एक आदमी को बुक दे दी जाए और कहा जाए कि स्विमिंग ऐसे हाथ मारना है ऐसे पांव मारना है फिर उसके अंदर सांस यहां रोकना है ऐसे करना है, वो बुक तो बहुत अच्छे से पढ़ लेगा, जब तक वो कूदेगा ही ना तब तक उसको पता ही नहीं चलेगा। तो इसमें भी वही केस है, इसमें मैं कूदने के लिए नहीं बोल रहा हूं लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि आप जब तक आपके स्क्रीन में प्रॉफिट और लॉस नहीं देखोगे ना, इतना प्रॉफिट आ रहा है इतना लॉस हो रहा है, वो स्क्रीन में देख के अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे ना तब तक कहना मुश्किल है। स्विमिंग कितना भी सिखा दे बुक में जब तक वो आदमी कूदेगा नहीं ना तब तक उसको पता नहीं चलेगा। तो सर ये जो सेशन है हर संडे को कंटिन्यू रखा जाए ज्यादा बेटर, स्टॉक क्वेरी रिलेटेड, स्टॉक क्वेरी के रिलेटेड? नहीं नहीं ये तो अभी मुश्किल है, ये मैं आज बाय चांस मौका मिल गया मुझे, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है।